वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। तो कल हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से सीख लिया था। पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने एलिमेंट्स के बारे में जान लिया था। पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को कैसे याद करते हैं उसकी ट्रिक के बारे में जान लिया था। तो लिमिटेड सिलेबस है बच्चों हमारा, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के क्या क्या कॉजेज है, तो जो भी पीरियोडिसिटी है ना, जैसे एटॉमिक साइज, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, अप टू डाउन आते हैं इन ए ग्रुप तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, इसी टाइप से आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड तो इंक्रीज होती है ये, एंड अप टू डाउन आते हैं तो ये डिक्रीज होती है, अप टू डाउन का मतलब इन ए ग्रुप, ठीक है। इसी टाइप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी सीक्वेंस होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनके, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, इनके जो ट्रेंड्स है ना वो चेंज होते रहते हैं। कैसे कैसे चेंज होते हैं, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो जनरली ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती है, और अप टू डाउन आते हैं ना तो ये चीज़ें डिक्रीज होती है। ये चीज़ें मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज होती है, अप टू डाउन आने से डिक्रीज होती है। और एटॉमिक साइज, एटॉमिक जो साइज है तो ये वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन ए पीरियड तो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और अप टू डाउन आते हैं तो इंक्रीज होती है। तो पीरियडिसिटी क्या होती है, ये इस चीज को हम पहले समझ लेते हैं। पीरियडिसिटी, तो पीरियडिसिटी का मतलब है बच्चों, जब भी हम एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक मास, देन एट ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम द एलिमेंट्स रिपीट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या करते हैं, एलिमेंट्स अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पीरियोडिसिटी। क्या कहते हैं हम इसको, पीरियोडिसिटी। सो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटोमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल, देन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम दे शोज देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन ए ग्रुप। मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप कल हमने याद करने की ट्रिक पढ़ ली थी, वैसे दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, सेवन एलिमेंट है। तो जब इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये क्या करेंगे, एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्या करते हैं, ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मतलब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में जो ट्रेंड होता है ना वो एक फिक्स होता है। क्या होता है, एक फिक्स ट्रेंड मिलता है हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें एक फिक्स ट्रेंड देखने को मिलेगा, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, पीरियोडिसिटी। क्या कहते हैं हम इसको, पीरियोडिसिटी। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको पॉइंट, तो ये पॉइंट समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। हमें कौन कौन सी पीरियोडिसिटी या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अप टू डाउन आते हैं तो घटते हैं या बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज के बारे में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपको 30 तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम से कम आना ही चाहिए। तो सबसे पहले आज हम ट्रेंड पढ़ने वाले हैं बच्चों, पीरियोडिक ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एटॉमिक रेडियस के बारे में। एटॉमिक रेडियस में किस तरह से वेरिएशन होता है व्हेन वी गो इन ए पीरियोडिक टेबल, कोई भी पीरियोडिक टेबल है, जैसे ये कि हमने पीरियोडिक टेबल ले ली, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम अप टू डाउन आते हैं, अप टू डाउन का मतलब है इन ए ग्रुप अप टू डाउन आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, इनकी इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज बढ़ जाती है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं इधर अलोंग ए पीरियड तो इनकी जो साइज है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इसका पूरा हम रीजन समझेंगे। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से टाइप की रेडियस पढ़नी है, सबसे पहले तो हमें पढ़नी है एटॉमिक रेडियस के बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें
मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस के बारे में। फिर हम थर्ड पढ़ेंगे बच्चों कोवलेंट रेडियस के बारे में, कोवलेंट रेडियस के बारे में। फिर हम फोर्थ पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पे आयोनिक रेडियस के बारे में, आयोनिक रेडियस के बारे में, मतलब इनका ट्रेंड कैसे चेंज होता है। तो एक ही मैं आपको एक सेंटेंस बता देता हूँ, इसकी समरी बता देता हूँ बच्चों। ये चाहे एटॉमिक रेडियस हो, चाहे मेटेलिक रेडियस हो, चाहे कोवलेंट रेडियस हो, चाहे आयोनिक रेडियस हो, इन ए ग्रुप व्हेन वी मूव अप टू डाउन, व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन ए ग्रुप देन द रेडियस जनरली इंक्रीजेज। जनरली मतलब 95-99% केसेस में एटॉमिक रेडियस क्या होती है, 99.99% केसेस के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, ये जनरल ट्रेंड है। When we move up to down in a group, इस ग्रुप के अंदर अप से ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, मेटेलिक रेडियस भी बढ़ती है, कोवलेंट रेडियस होगी वो भी बढ़ेगी, और आयनिक रेडियस होगी वो भी बढ़ेगी। अब हम जब हम ग्रुप में सॉरी अब जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों, पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। तो ये जो हॉरिजेंटल रोज है ना, ये हॉरिजेंटल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइंस, इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, हम ग्रुप्स कहते हैं। तो कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है, ठीक है। और 7 क्या है इसमें, पीरियड्स है। तो पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, मेटेलिक रेडियस डिक्रीज होगी, कोवलेंट रेडियस डिक्रीज होगी, आयोनिक रेडियस डिक्रीज होगी, ये सारी चीजें क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब हम समझ लेंगे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, मेटेलिक रेडियस क्या होती है, कोवलेंट रेडियस क्या होती है, और आयोनिक रेडियस क्या होती है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, उसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। तो देखो बच्चों, नाम से ही हमें पता चल रहा है एटॉमिक रेडियस, दिस मीन्स द रेडियस ऑफ द एटम, एटम की रेडियस। हमें तो पता है बच्चों एटम के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। एन नंबर ऑफ सेल्स का मतलब होता है उसमें बहुत सारे सेल्स मिलेंगे हमें, किसी भी एटम में एन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये कि मैंने न्यूक्लियस बताया, ये फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और इसके आगे और चलते जाएंगे। ये मैंने पूरा गोला नहीं बनाया बच्चों, ठीक है। ये जो है ना सेल, ये पूरा ऐसे राउंड में होता है, मैंने पूरा बनाया नहीं, मैंने ऐसे ही बनाया शॉर्ट में। तो आप समझ लेना ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, 7 सेल मैंने बनाए हैं। अब मान लो इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। अगर मान लो ये एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड हो गए और वो फर्स्ट सेल से 7 में आ गए, फर्स्ट सेल से 3rd में आ गए, 4th में आ गए, तो अब इसकी रेडियस कैसे काउंट करेंगे। तो रेडियस हमेशा काउंट करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ऑफ द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल कौन से ऑर्बिट में है, चाहे वो 3rd में है तो 3rd तक काउंट करेंगे, अगर वो वैलेंस सेल 4th ऑर्बिट में है तो 4th तक हम काउंट करेंगे, अगर वो वैलेंस सेल 5th ऑर्बिट में है तो 5th ऑर्बिट तक हम उसकी क्या करेंगे, रेडियस काउंट करेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस कहेंगे। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर, समझ में आया होगा आपको। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, वेरी सिंपल, द एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एटम के अंदर आउटर मोस्ट ये इलेक्ट्रॉन है, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर भरा है, पांचवे सेल के अंदर मौजूद है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी इसकी। कहाँ से हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, इसका जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के बीच में से हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, और कहाँ तक करनी है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सेल के अंदर है, मौजूद है, वहां तक की हमें डिस्टेंस देखनी है। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएगी आर, और एटोमिक रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आपको। अगर आपको समझ में आ गया बच्चों तो चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ, यस सर दैट पॉइंट इज क्लियर राइट। यस, सो नाउ द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू।
अब जो इनकी जो रेडियस है ना बच्चों, जनरली किसमें हम मेजर करते हैं, पिकोमीटर में मेजर करते हैं। पिकोमीटर का मतलब होता है 10^-12 मीटर। पिकोमीटर मीन्स 10^-12 मीटर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है, तो इतनी कम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम सबसे छोटी यूनिट को यूज लेते हैं। तो हम यहाँ पे यूनिट क्या दे रहे हैं बच्चों, पिकोमीटर में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। कौन सी डिस्टेंस बच्चों, एटॉमिक रेडियस को हम पिकोमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हैं। अगर एंगस्ट्रॉम में करते हैं तो एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10 मीटर। अगर नैनोमीटर में हम करते हैं, नैनोमीटर में, तो कितना हो जाएगा, 10^-9 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी आपको बात। अब चलते हैं बच्चों हम मेटेलिक रेडियस की तरफ। तो ये रेडियस आपको समझ में आ गई होगी, एटॉमिक रेडियस क्या होती है। तो ये देखो, एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दे रखा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल देके बताया बच्चों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। एटॉमिक रेडियस तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ लेते हैं पहले कोवलेंट रेडियस के बारे में। तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है, जब कोवलेंट रेडियस फॉर्म होती है जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब कोई भी कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है ना, कोवलेंट बॉन्ड बनता है अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसमें कौन सी रेडियस होगी, कोवलेंट रेडियस होगी। तो कोवलेंट रेडियस के लिए जो कंपाउंड होगा उसमें बॉन्ड कैसा होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अब बच्चों कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। वेन टू सिमिलर एटम्स कंबाइंड, वेन टू सिमिलर एटम्स कंबाइंड, दो सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कैसे कोवलेंट रेडियस बन सकती है, दो डिसिमिलर एटम्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं बच्चों। जरूरी नहीं है कि सिमिलर एटम ही आपस में कंबाइन होंगे तो ही कोवलेंट रेडियस या कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दो डिसिमिलर कंपाउंड, डिसिमिलर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड, दो अलग अलग टाइप के एटम्स भी आपस में कंबाइन होकर उसके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो डिसिमिलर एटम्स कौन कौन से होंगे, ऐसे एटम्स जिसके पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना बच्चों वो बहुत ही कम होना चाहिए। दोनों के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, जैसे इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में बता देता हूँ, सपोज करो 1.5 है और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सपोज है 1.7, तो कितना डिफरेंस है, 0.2 का डिफरेंस है, 0.2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस बहुत कम है ना, तो इस कंडीशन में ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगी तब उसकी कोवलेंट बॉन्ड की रेडियस होगी, उसको हम बोलेंगे कोवलेंट रेडियस। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, समझ में आया आपको। तो कोवलेंट रेडियस कब बनेगी, कोवलेंट रेडियस बनाने के लिए हमें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में समझना होगा। और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं हम, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल या H2 गैस की हम बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 होता है। अब इसके अंदर बच्चों देखो, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और शेयर करके क्या बनाया, इन्होंने एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब मैं अगर इस हाइड्रोजन को बनाता हूँ तो मैं ऐसे बना लूंगा, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये इसका फर्स्ट शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन था। अब ये मैं दूसरा बना लेता हूँ हाइड्रोजन, और इसका मैं बना लेता हूँ ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन था। अब इसने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, ये कोवलेंट रेडियस का, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इसमें बच्चों कोवलेंट रेडियस कौन सी होगी, अब ये जो दोनों एटम्स है ना हाइड्रोजन के अंदर, ये इस हाइड्रोजन का ये एटम, इस दूसरे वाले हाइड्रोजन का ये एटम, ये एटम, अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस की हाफ अगर मैं करता हूँ,
अगर इन दोनों के न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस की अगर हाफ डिस्टेंस में ले लेता हूं तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, कोवेलेंट रेडियस। मुझे पूरा नहीं लेना है, समझ में आ गई बात को। अगर मैं इसको हाफ कर लेता हूँ तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ऐसे एटम जो आपस में किससे जुड़े हुए हैं बच्चों, जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, ऐसे दो एटम जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उन दोनों एटम्स के बीच के जो न्यूक्लियाई है, उस न्यूक्लियाई से उनकी जो डिस्टेंस होगी, दोनों न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस होगी, उसको अगर मैं हाफ कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगी मुझे, कोवेलेंट रेडियस मिलेगी। ये कोवेलेंट रेडियस है बच्चों, ये कोवेलेंट रेडियस होगी। अब ये वाली डिस्टेंस भी सेम ही होगी, आपको पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगी, चाहे ये डिस्टेंस कंसिडर करो चाहे ये डिस्टेंस कंसिडर करो, दोनों एक ही बात है। तो आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आया होगा आपको। तो हाइड्रोजन के केस में ये जो डिस्टेंस होती है वो होती है 74, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बता रहे हैं बच्चों, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है 74 पिकोमीटर हाइड्रोजन के केस में। बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको बताया बच्चों, ध्यान देना आपको, देखो ये हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका न्यूक्लियस, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब इनके दोनों की ये डिस्टेंस है, ये देखो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। अब इस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अगर हम हाफ करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, कोवेलेंट रेडियस मिलेगी, जो ये है। अब अगर दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस 74 पिकोमीटर है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स is 74 meter, then find out the equivalent radius of hydrogen. तो कैसे हम करेंगे, 74 divided by 2 equal to 37 picometer. तो equivalent radius कितनी हो गई, 37 picometer हो गई। ये तो हमने concept समझाया है equivalent radius का, ठीक है। Atomic radius आपको समझ में आ गई, second point हमने equivalent radius का भी हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया आपको। इसी type से अगर आपको क्लोरीन और क्लोरीन जो एटम्स है ना, जैसे क्लोरीन गैस है बच्चों, क्लोरीन गैस Cl2, क्लोरीन गैस जो क्लोरीन गैस होती है वो Cl2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है बच्चों, दो एटम है, देखो क्लोरीन और क्लोरीन। अब एक क्लोरीन का एटम, दूसरा क्लोरीन का एटम, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अगर हम हाफ करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी क्लोरीन के लिए। इसी टाइप से ब्रोमीन के लिए भी आ जाएगी। तो ये देखो क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए ये दे रखे हैं डिजिट, 198 पिकोमीटर होती है क्लोरीन के लिए और ब्रोमीन के लिए होती है 228 पिकोमीटर। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों ये इनर्ट गैस, ये हेलोजन्स है। तो हेलोजन्स में हम लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये ग्रुप है बच्चों 17 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, ये 17 ग्रुप है, हेलोजन फैमिली का ग्रुप है। तो मैंने बताया था इन ए ग्रुप व्हेन वी मूव अप टू डाउन, इन ए ग्रुप व्हेन वी मूव अप टू डाउन देन कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज। कोई भी टाइप की रेडियस हो वो बच्चों क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी देखो क्लोरीन के लिए बता रखी है 198 पिकोमीटर, ब्रोमीन के लिए बता रखी है 228 पिकोमीटर। तो देखो इसमें कोवेलेंट रेडियस बढ़ रही है ना, तो इससे भी हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेटेलिक रेडियस के बारे में। तो दो रेडियस हमने पढ़ चुके हैं, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। थर्ड टाइप की जो रेडियस है वो है एटॉमिक रेडियस, तो मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस देखो नाम ही है मेटेलिक रेडियस, तो किस टाइप के कंपाउंड में या किस टाइप के सब्सटेंस में मेटेलिक रेडियस मिलेगी, ऐसे सब्सटेंस जो मेटल है, ऐसे सब्सटेंस जो क्या है बच्चों नेचर में मेटल है, मेटल होंगे ना उसी में मेटेलिक रेडियस मिलेगी हमें।
तो आप लोगों को पता होगा पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स है ना बच्चों, मेटल्स लगभग 78 मेटल्स है, मेटेलिक एलिमेंट्स है जो मेटल मेटल की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ये पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी एलिमेंट्स है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स दर्शाए हुए हैं वो सारे क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर्स शो करते हैं। मतलब ये जितने भी एलिमेंट आपको मिलेंगे यहाँ तक, ये हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन गैस है, ये जो एलिमेंट्स है ना बच्चों ये सारे क्या है, मेटल्स। अब मेटल्स होंगी तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, मेटल होगा तो उसमें मेटेलिक बॉन्ड होगा, मेटल्स के बीच, मेटल्स के एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का अगर मैं हाफ कर लेता हूँ तो हमें क्या मिलेगी, मेटेलिक रेडियस मिलेगी। ये कंसेप्ट किसको समझ में आ चुका है, क्या मिलेगी हमें, मेटेलिक रेडियस मिलेगी। समझ में आई बात, कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, कंसेप्ट क्लियर है आपके, यस। सो मेटेलिक रेडियस आर फाउंड इन द मेटल्स, मेटल्स के अंदर मेटेलिक रेडियस मिलेगी हमें। और मेटेलिक रेडियस भी क्या है, सेम कोवलेंट रेडियस जिसे हमें फाइंड की थी ना, वैसे मेटेलिक रेडियस फाइंड करनी है। तो मेटल में क्या होगा बच्चों, मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं ना वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं। मेटल्स क्या होती है, सारी सॉलिड होती है, हमें ये भी पता है, मेटल सारी सॉलिड होती है। तो अब सॉलिड है तो सारे एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं, एक एटम्स दूसरे एटम के बहुत ज्यादा पास में होता है। अब इनके बीच की जो रेडियस है ना, या इंटर इनके दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, एक ही एटम है, एक ही एटम है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें, दोनों के बीच की डिस्टेंस की अगर हम हाफ कर दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, मेटेलिक रेडियस मिल जाएगी। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, ठीक है। द वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम्स इन ऑफ ए मेटल। अब मेटल के अंदर मेटेलिक रेडियस होगी, आपको ये बात ध्यान देनी है। जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि सोडियम के अंदर किस टाइप की रेडियस होगी, कोवलेंट रेडियस होगी या मेटेलिक रेडियस होगी, किस टाइप की रेडियस होगी, तो आपको क्या बताना है, सोडियम के अंदर किस टाइप की रेडियस होती है, आप लोग कमेंट में लिख के बताओ, कमेंट में मुझे लिख के बताओ कि सोडियम के अंदर किस टाइप की रेडियस मिलेगी आपको, ऑक्सीजन में किस टाइप की रेडियस मिलेगी, और फॉस्फोरस में किस टाइप की रेडियस मिलेगी, एल्यूमिनियम में किस टाइप की रेडियस मिलेगी। ये चार एलिमेंट लिखे हैं मैंने, सोडियम लिखा है, फॉस्फोरस लिखा है, एल्यूमिनियम लिखा है और ऑक्सीजन लिखा है, ये ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में लिख दी मैंने। तो मुझे बताओ बच्चों, चारों बच्चों चारों एलिमेंट में से सोडियम में किस टाइप की रेडियस मिलेगी, ऑक्सीजन में, फॉस्फोरस में और एल्यूमिनियम में। सोडियम में मिलेगी मेटेलिक रेडियस, ऑक्सीजन में मिलेगी कोवलेंट रेडियस, एल्यूमिनियम में मिलेगी मेटेलिक रेडियस, एल्यूमिनियम मेटल होता है, सोडियम मेटल होता है तो मेटेलिक रेडियस मिलेगी, फॉस्फोरस नॉन मेटल होता है तो इसके अंदर क्या मिलेगी, कोवेलेंट रेडियस मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, कोवेलेंट रेडियस। जो मेटल नहीं होंगे उनमें क्या मिलेगी हमें, कोवेलेंट रेडियस मिलती है, और जो मेटल होते हैं उनमें जो मेटल होंगे हमें उसमें मेटेलिक रेडियस देखने को मिलेगी। तो सेम कंसेप्ट है इसमें भी। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं इनका सीक्वेंस, तो इनका सीक्वेंस किस टाइप से वेरी होता है, इसका एटॉमिक रेडियस का जो सीक्वेंस है वो किस टाइप से वेरी होता है इन ए पीरियोडिक टेबल। तो चलिए हम देख लेते हैं, यस दिस इज द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें किसका ट्रेंड देखना है, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखना है। तो एटॉमिक रेडियस हमने पढ़ ली है, साथ में हमने कोवेलेंट रेडियस के बारे में भी जिक्र कर लिया है, हमने मेटेलिक रेडियस के बारे में भी जान लिया है अब तक अच्छे से। और मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि अलोंग ए ग्रुप जब हम अप टू डाउन आते हैं तो एटोमिक रेडियस क्या होती है, एटोमिक रेडियस इंक्रीज होती है।
एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है. और इन ए पीरियड व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है बच्चों, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है. अब दोनों का रीजन भी हम समझेंगे, व्हाई अलोंग ए ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एंड व्हाई इन ए पीरियड द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज. तो जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो उसकी रेडियस भी बढ़ेगी, अगर एटम की साइज श्रिंक हो जाएगी तो उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सीधी सी बात है. तो जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं ग्रुप के अंदर बच्चों, जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे ये हम लिथियम की बात करते हैं, हाइड्रोजन तो गैस है इसको छोड़ो आप, तो लिथियम की बात करते हैं, लिथियम से सोडियम में, तो लिथियम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, पोटेशियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, रूबीडियम फिफ्थ पीरियड का है, सीजियम सिक्स का, और फ्रेंचियम सेवंथ पीरियड का एलिमेंट है. अब देखेंगे आप इसमें, तो देखो लिथियम के अंदर अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी. ये देखो इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट फॉर लिथियम. अब अगर मैं सोडियम के लिए बनाता हूँ तो सोडियम के लिए ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. ये पोटेशियम के लिए अगर बनाना है तो ये न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन आते हैं वैसे वैसे देखो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं. इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, लिथियम के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितने मिलेंगे हमें, सिर्फ टू सेल्स मिलेंगे. नंबर ऑफ सेल्स इसमें सिर्फ दो ही होते हैं, दो एनर्जी लेवल होते हैं, दो इसमें सेल होते हैं. और जब हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम के अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं. पोटेशियम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स चार हो जाते हैं. तो अब देखो यहाँ पे एक तो ये एटम है जिसके पास में सिर्फ ये दो ही सेल है, और एक ये एटम है जिसके पास में तीन सेल है. ये दो सेल है, ये n इक्वल टू टू है, इसमें इसमें n इक्वल टू थ्री है. तो आप देख के बताओ किसकी साइज ज्यादा है, किसकी साइज ज्यादा है, इसकी साइज ज्यादा है ना, मतलब इसकी रेडियस ज्यादा आएगी. इसकी रेडियस में कंसिडर करूंगा तो क्या कैसे करूंगा, इसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मिलेगा इसमें, ठीक है, तो इस ऑर्बिट में मिलेगा तो ये वाले डिस्टेंस कंसिडर करूंगा. इसके अंदर मैं कौन सी डिस्टेंस कंसिडर करूंगा, ये वाले डिस्टेंस कंसिडर करूंगा एटॉमिक रेडियस के लिए. तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि इसके अंदर ये रेडियस कम आ रही है और इसके अंदर ये रेडियस ज्यादा आ रही है. तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन आते हैं वैसे वैसे देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन